कार्तिक रिंकी उठ जाओ दोनों के दोनों, कब तक सोते रहोगे? और वैसे भी तुम दोनों ने ना प्रॉमिस किया था कि साफ सफाई कराएंगे अगले संडे, अब उठ जाओ बहुत जल्दी। हाँ मम्मी बस उठ रहे हैं 5 मिनट में। बस 5 मिनट हो गए दो। 5 मिनट कुछ नहीं, उठते हुए चप्पल लेकर आऊँ। आती हूँ मैं चप्पल लेकर। कते मम्मी चप्पल लेकर आए, उससे पहले हम अपना रूम साफ कर देते हैं। चल क्या है? तो मैप है। दीदी इधर आओ एक बार। क्या हुआ? ये देखो मुझे ये मिला है, ये एक ना मैप है। हाँ ये तो कोई पुराने जमाने का मैप है, हमारे किसी काम का नहीं, फेंक दे इसको। लेकिन यार ये तो हमारे घर के आसपास का मैप है। हमारे घर के आसपास का? हाँ ये देखो ये हमारा घर और ये शर्मा जी का घर। हाँ गतिक, और इस पे देख बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है, खजाना। मतलब हमारे घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ खजाना दबा हुआ है, इसका मतलब माला माल होने वाले हैं। एक काम करते हैं चल के ढूंढते हैं। चल देखियो भाई, इस मैप में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस एक पहेली लिखी हुई है। पहेली पढ़ना चाहता, मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है और दाएं बाएं भी जाती है लेकिन अपनी जगह से हिलती नहीं। ये क्या बात हुई? ये कोई पहेली थोड़ी हुई, इससे आगे नहीं लिखा कुछ। नहीं भाई इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यही रास्ता है खजाने तक पहुँचने का। ये क्या मतलब होता है यार? हाँ भाई हो सकता है हम इस जगह पे पहुँचे और हमें कोई क्लू मिल जाए खजाने तक पहुँचने का। अरे लेकिन इस रास्ते तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ यही तो मुसीबत है, किससे पूछे ये पहेली, ना तो तू इंटेलिजेंट है ना मैं इंटेलिजेंट हूँ, कैसे ढूंढेंगे हम पहेली? आइडिया, मेरा ना एक दोस्त है जो ना क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, हम उसके पास चलते हैं, उसे पक्का बताऊंगा रास्ते पे कैसे पहुंचे। हाँ भाई तू सही बोल रहा है, वो तो ना इसको सॉल्व कर ही देगा। लेकिन तू ना अपना मुंह बंद रखियो, जो चीज तुझे बतानी नहीं होती ना तू सबसे पहले वही बताता है, और जो बतानी होती है वो तुझसे कभी बताई नहीं जाती। अरे दीदी आप टेंशन मत लो, अब ना मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया हूँ, क्लास में फर्स्ट आता हूँ, और आप देखना मैं उससे कैसे पटा लूंगा और उसे बताऊंगा भी नहीं। हाँ हाँ पता है कितना इंटेलिजेंट है, क्लास में पीछे से फर्स्ट आता है। चल अब यही घर है ना? हाँ यही होगा। अंकित अंकित अंकित, अरे इतनी तेज क्यों चिल्ला रहा है? उसकी मम्मी ने सुन ली ना तो हम दोनों को मार मार के ना चटनी बना देंगी। अंकित जल्दी बाहर आओ, हमें कुछ काम है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? पीछे ही तो खड़ा हूँ तुम्हारे। ओए तू यहाँ कहाँ से आ गया? अरे मैं तो कहीं जा रहा था, तुम दोनों को देखा मेरे। चल छोड़, ये बता हमारी एक हेल्प करेगा? हेल्प? कैसी हेल्प? वो क्या है ना, अरे अरे मैं बताता हूँ। अरे ये ना मैप है, इसके अंदर एक पहेली है, उस पहेली का एक एड्रेस है, और पहेली के एड्रेस पे खजाना है, खजाना में होगा पैसा, और हमें अमीर बना दो प्लीज। अच्छा तो ये बात है, हेल्प तो मैं तुम दोनों की कर दूंगा, पर इस खजाने में से ना मुझे भी 50% चाहिए। क्या 50%? तुम पागल हो गए हो? हाँ भाई देखो मंजूर है तो जल्दी बताओ वरना मुझे कहीं जाना है। अरे दीदी इधर आओ, 50% दे दो ना, कुछ तो पैसा आ रहा है हमारे पास, 25% तो आ जाएगा, जेब खाली अभी तो। तू बोल रहा तो दे देती हूँ। सुनो हाँ ठीक है 50
50% तुम्हारा 50% मेरा। पहेली सुलझाओ अब तो पहेली। अरे दो मिनट, मैं भी तो हूँ यहाँ पे, इस दुनिया में मैं जिंदा हूँ अभी, मेरा भी तो होगा। हाँ सही बात है, देखो मेरा भाई भी हेल्प कर रहा है। 25 तू रख और 50 मैं रखती हूँ। चलो अब पहेली पढ़ते हैं। ठीक है चल, तू मेरी क्रश है ना इसीलिए डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक, पहेली पढ़ो अब जल्दी। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है, दाएं भी जाती है और बाएं भी जाती है, पर अपनी जगह से नहीं हिलती? अरे इतना इजी, पर ये तो नहीं पता मुझे। तो तुम्हारे टॉपर होने का क्या फायदा हुआ? और दे लो उसे 25% तो गए। तूने देने के लिए बोला था, मैंने नहीं, एकदम सही किया। ठीक है चलो अब साथ में ढूंढते हैं। चलो क्या हो सकता है यार? हाँ ये डस्टबिन हो सकता है। डस्टबिन दाएं भी जाता है बाएं भी जाता है, लेकिन ऊपर नहीं जाता ना यार। नहीं 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 नहीं, डस्टबिन तो नहीं होगा। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? हाँ ये गाड़ी हो सकती है। गाड़ी दाएं भी जाती है बाएं भी जाती है, ढलान से ऊपर भी चढ़ जाती है, लेकिन गाड़ी तो अपनी जगह से हिल जाती है ना यार। गाड़ी भी नहीं हो सकती। और क्या हो सकता है? हाँ स्कूटी दाएं भी जाती है बाएं भी जाती है, लेकिन स्कूटी भी तो अपनी जगह से हिलती है यार। और वैसे भी यहाँ पे तो इतनी सारी स्कूटियां हैं। नहीं यार एक काम करती हूँ, ये दोनों तो ढूंढ ही रहे हैं पहेली, मैं तब तक अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लेती हूँ। शोना बेबी, हेलो बेबी। मेरे बेबी ने खाना खाया? हाँ बेबी मैंने भी खाया। चलो बेबी बाय बाय, लव यू, बाय बाय। यार ये दोनों कहाँ रह गए? देखती हूँ कहाँ चले गए। कार्तिक, और क्या हो सकता है? गतिक कहाँ है? मुझे क्या पता, मुझे तो लगा तुम्हारे साथ होगा। मुझे लगा तुम्हारे साथ होगा। नहीं गतिक, गतिक उधर से आवाज आ रही है, चलो आओ। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे जाते पूरी दुनिया। ऊपर क्या कर रहा था तू? अरे यार दीदी मैं तो खजान ढूंढ रहा था, इतने मेरे को एक पेड़ दिखा, मुझे लगा पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ, पेड़ के ऊपर सब दिखता है, लेकिन पेड़ के ऊपर तो चढ़ नहीं पाया, पेड़ पे अटका रह गया। मेरी क्या गलती है? पेड़ बस, पेड़ 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 सर दर्द कर दिया। ये बता कुछ मिला? नहीं। मिल गया। क्या मिल गया? पहली का आंसर मिल गया यार। बता। पेड़। अब तू दिमाग खराब मत कर, पेड़ 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 इसलिए सर दर्द कर दिया। अरे पहली का आंसर ही पेड़ है। कैसे? अरे यार ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है दाएं जाती है बाएं जाती है, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलती? पेड़। हाँ लेकिन यार इतने सारे पेड़ है, कौन सा पेड़? अच्छा मुझे मैप दिखाई देता हूँ। ये पेड़। हाँ। ये तो मुझे पता है कहाँ है। पक्का? अरे हाँ हाँ चलो चलो। ये देखो मेरे हिसाब से तो वो यही वाला पेड़ है। ये पेड़? पर इस पेड़ पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई खजाना मिलने वाला है। क्या करें? वो देखो वहाँ कुछ अजीब सा है। कहाँ? ये तो कोई पहेली है, जल्दी से पढ़ो इसको। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये कैसी पहेली हुई भला? वो तो तुम बताओ ना, तुम टॉपर हो। यार मैं पढ़ाई का टॉपर हूँ, पहेली को थोड़ा ना। यार इसको ना 25% देकर ना बहुत बड़ी गलती करी है हमने गतिक। क्या करें अब? आइडिया। क्या? मैं ना एक लड़की को जानता हूँ, वो मेरी फ्रेंड है और वो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है।
तो वो हमें ये पहेली सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। हाँ ये सही रहेगा, पर हम वेट क्यों कर रहे हैं? गतिक इस बार ना तू अपना मुंह बंद ही रखियो। हाँ ठीक है चलो। रुको यही घर है साक्षी का, मैं बुलाता हूँ। साक्षी कहाँ रह गई? अरे रुको यार साक्षी। हाय। वो हमें ना तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? हम बताते हैं। वो एक्चुअली हमें ना ये पहेली सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये पहेली ना एक खजाने की पहेली है, और जब हमें वो खजाना मिल जाएगा तो मालूम हाल हो जाएंगे। क्यों कहते एक कम था क्या? दूसरा भी ऐसे ही मिल गया, सारा पैसा लुटवा दो। ठीक है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, लेकिन इसमें मेरा कितना हिस्सा होगा? तुम्हें भी हिस्सा चाहिए? हाँ। अरे तुम्हें हिस्से की क्या जरूरत है, तुम्हें मिल रहे हैं ना ये दोनों। ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, ये दोनों चप्पड़ गंजू। मुझे तो पैसा चाहिए, आजकल पैसे से ही सब कुछ होता है। ठीक है तो तुम एक काम करना, तुम 25% रख लेना गतिक का। और मेरा? तेरा। ठीक है तुम 24, तेरा 1% छोटा है। लाओ चलो मुझे पहेली दिखाओ, मैं अभी सॉल्व कर देती हूँ। हाँ। तो पहेली कुछ यूं है कि एक सुनसान सी गली जिसमें है एक आलीशान बंगला, लेकिन वहाँ रहता है हर वक्त सन्नाटा। बताओ कहाँ है ये जगह? यार मुझे इतना तो नहीं पता, पर यहाँ पर ना बहुत सारी सुनसान गलियां हैं और उसमें ना बहुत सारी हवेलियां हैं, किसी ना किसी में तो मिल ही जाएगा खजाना। और दे दो 24%, सारा पैसा लुटवा दो, बर्बाद कर दो मुझे। चलो अब ढूंढते हैं साथ में मिलके। एक तो 25% भी चला गया और ये क्लू भी नहीं मिल रहा। दीदी ये सन्नाटा कौन है? गतिक चुप हो जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। ठीक है करवा दो चुप। नहीं वो रहा महल। अरे वो देखो, वो तो एक पुरानी बिल्डिंग है जो 3-4 साल से ऐसी बंद पड़ी है, उस पे ध्यान मत दो। अरे मेरी बात मानो, मेरी कैलकुलेशन और सिक्स सेंस के हिसाब से हमें क्लू उसी जगह पे मिलेगा। यार ये फिर से पागल ना बना दे। मेरी बात पे भरोसा रखो, चलो एक बार उधर। नहीं चल गती। क्या लग रहा है यहाँ कुछ मिलेगा? मेरे को लग रहा है उसने फुद्दू बना दिया हमारा वापस। ढूंढ ले यार। दीदी उधर देखो कुछ रखा है, चल देखते हैं। वाव स्टिक, ये तो कोई मैप लग रहा है। एक काम करते हैं उनको दिखाते हैं, हमसे तो ये सॉल्व नहीं होगा। चल। अरे यार मुझे नहीं लगता यहाँ हमें कुछ मिलेगा। तो चुप ही कर, एक पहेली तो सॉल्व हुई नहीं तेरे से। बढ़िया ही। ओए तुझसे तो ना मैं बहुत अच्छी टॉपर हूँ। आया बड़ा छुपकर छुपकली सी शक्ल की, चल जल्दी ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। मैंने बोला ना कुछ मिल जाएगा। ओए तूने मुझे छुपकली बोला? कैसे बोला? तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? दोनों लड़ना बंद करो, ये देखो हमें क्या मिला है। ला लाओ मुझे दिखाओ। ये तो मैप है, चलो बाहर चल के पढ़ते हैं इसको। यार ये उल्टा पुल्टा क्यों दिख रहा है, कौन सी लैंग्वेज है? रुक मैं ट्रांसलेट करती हूँ। अरे दोनों का ऊपर का वाला खाली है क्या? उल्टा पकड़े तुमने मैप। ओह सॉरी, दिखा। जहाँ भी देखो हरा ही हरा है, लोग जाते हैं वहाँ सुकून के लिए और बच्चे जाते हैं खेलने के लिए। वहीं मिलेगी तुम्हारी मंजिल, घनी घाटियों में दफन है अनमोल चीज। मतलब पार्क। हाँ और शायद वो बड़ा वाला पार्क है ना,
चलो जल्दी चलते चलो चलो जल्दी। गाइस यही है वो बड़ा वाला पार्क। बस इस बड़े पार्क में हमें ये देखना है कि खजाना छुपा कहाँ है। तो चलो फिर ढूंढते हैं। हाँ चलो। अरे गति किसी को मिला कुछ? सुनो उस साइड देखते हैं। रुको देखो यही है इस पार्क का सबसे घना और सबसे बड़ा पेड़। हाँ यार हमने पूरा पार्क छान मारा कहीं कुछ नहीं मिला। इस पेड़ को भी देख लेते हैं। चलो टूटते हैं। अरे एक मिनट ये देखो ये क्या है? इस पे कुछ लिखा है लालच बुरी बला है। क्या यार पूरा दिन भी वेस्ट करा और मिला क्या? एक और नई पहेली। लेकिन यार लिखा तो सही था ना लालच बुरी बला है। हाँ यार सही बात है ना तो हम लालच करते और ना ही ये सब होता। क्या यार क्या न्यूज़ चला दी कार्टून चलाने चाहिए थे। फिर से नशा। हे एवरीवन आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब कर दो। एंड हाँ गाइज मुझे तो बहुत सारा खजाना नहीं मिला तो आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों नहीं मिला। क्योंकि वीडियो का टाइटल ही है खुफिया खजाना और हम खजाना ढूंढते 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 पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं। तो मैं सब कुछ नहीं बताऊँगी आप जल्दी से पूरी वीडियो देख लो। बाय बाय।